सोलन के कुमारहट्टी में एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्तर दक्षिण जोन की पहली 3 दिवसीय टेबल्स टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ज्वाइंट डायरेक्टर सुमन रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस प्रतियोगिता में देश भर से आई विभिन्न टीमों ने अपनी खेल प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, जम्मू, केरल से आए 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव यशपाल राणा ने बताया कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा देश में समरसता लाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व और पश्चिम के राज्यों के खिलाड़ियों की सांझी टीम बनाई गई है, जिसके चलते 8 राज्यों की 4 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। हिमाचल की टीम को केरल का साथ मिला है, जिसमें वह मिलकर अन्य राज्यों की टीमों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी टीमें इस प्रतियोगिता में विजय रहेंगी उन्हें इंदौर में खेलने का मौका मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई मुहिम है, जिसका नाम गवर्नमेंट ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से दिया है। ये सिर्फ टेबल टेनिस में नहीं, और गेमों में भी ये पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि साउथ और नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट का आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए इन्होंने टीम्स की पेयरिंग भी हिसाब से की है कि एक टीम नॉर्थ से ली है, एक टीम वेस्ट से ली है। और यहाँ पे 4 टीमें आई हैं, मतलब 8 स्टेट्स हैं जिनकी 4 टीमें बनी हैं लड़के और लड़कियों की। और जो ये स्टेज 1 है, और यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी वो ऑल इंडिया लेवल में इंदौर में जून महीने में टूर्नामेंट है, जो उनसे जो टीम आएगी वहाँ पे उनका नेशनल टूर्नामेंट होगा। और जो स्टेज 2 में है उसमें जो टीम विनर होगी उसको गवर्नमेंट 5 लाख रुपया इनाम दे रही है, सेकेंड टीम को 3 लाख रुपया और थर्ड टीम को 2 लाख रुपया इनाम।